हेलो एवरीवन गाइस गाइज सेल्फ रजत सिंह सभी का स्वागत है अडा ट्वेंटी फोर सेवन पे और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एस एस सी जे एग्जामिनेशन की ये वीडियो उन सभी एस्परेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे एस एस सी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में देना चाहते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी फॉर्म फिलिंग से लेके एलिजिबिलिटी कंडीशन एज क्राइटेरिया नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स पोस्टिंग एवरी थिंग सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी तो स्टार्ट करते गए देखिए जैसे कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जेई की रिक्रूटमेंट करता है जिसमें आपके सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जाती है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग साथ में क्वान्टिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट होता है तो यहाँ पर मेनली जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है लगभग हर साल यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं 2021 में नोटिफिकेशन जो है नहीं आए ड्यू टू सम रीजन जो 2022 में अभी नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें एक बी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सी आप जानते ही हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसी तरीके से आपके पास सी डब्ल्यू पी आर एस सेंट्रल वाटर कमीशन नेवल में डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस परखा बैराज प्रोजेक्ट कभी कभार इसमें वैकेंसीज आती है कभी नहीं आती है। एम ई एस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वन ऑफ दी रेपोटेटेड जॉब है ये और साथ साथ में लास्ट में एन टी आर ओ तो इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो इसके थ्रू फिलिंग करते हैं अपनी वैकेंसीज़ की तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वैकेंसीज़ एस एस सी जे में आपको देखने को मिलती है आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं अपने कॉलेज से निकल चुके हैं उनके पास डिग्री आ चुकी है वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और नीचे एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसिवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल सच एज मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको प्रूफ करने के लिए कई बार फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं देखो बेटा यहाँ पे साफ साफ जो नोटिफिकेशन आते हैं एस के जनरली इस बार तो अभी नोटिफिकेशन बहुत डिले हो के आया है जनरली जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके एग्जामिनेशन जो होते हैं वो मार्च में होते हैं इस बार आपका नवंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है लेकिन जो मार्च में एग्जामिनेशन होते हैं उनकी जो यहाँ पे डेट लिखी रहती है ना वहाँ पे लिखा रहता है एक तारीख एक जनवरी एक जनवरी तक आपके पास वो सारे के सारे सर्टिफिकेट वगैरह क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस बार सिनेरियो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे डेट यहाँ पे दूसरी मेंशन आएगी लेकिन उस डेट तक अगर आपके पास आपके जो भी है डिग्री है या डिप्लोमा है आपके सर्टिफिकेट हैं आपके हाथ में आप पास आउट कर चुके चाहे प्रोविजनल हो तो आप एलिजिबल हो गए अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो बात करते हैं एज के क्राइटेरिया की तो देखिए यहाँ पे एज का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एज का क्राइटेरिया दे चुके हैं लेकिन जो जनरल के लिए एज की लिमिट है यहाँ पे आपको देख सकते हो तीस साल की एज की लिमिट अधिकतर डिपार्टमेंट के लिए थर्टी ईयर्स है केवल दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं एक तो है सी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो बत्तीस साल तक अलाउ करता है जनरल को और दूसरा है सी डब्ल्यू सी सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों ही टॉप के हैं दोनों ही टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बच्चे काफ़ी प्रेफरेंस जब भरते हैं तो एम देखिए तीन चार प्रेफरेंस सबसे टॉप पे डालते हैं बच्चे एम ई और यहाँ पे सी तो ये टॉप प्रेफरेंस वाले में से दो जो हैं जिनमें 32 साल तक आपका एज का क्राइटेरिया है जनरल के लिए और बाकी एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है जो भी कैटेगरी वाइज जैसा मिलता है हर डिपार्टमेंट में हर वैकेंसीज में उस तरीके से है रिलैक्सेशन राइट बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बी की जो रिक्रूटमेंट होती है ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ पे केवल और केवल बॉयज़ को ही अलाउ किया जाता है ओनली मेल कैंडिडेट वहाँ पे गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं फीमेल कैंडिडेट बी की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होती उसके बाद कैसे अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एस की वेबसाइट है एस एस सी डॉट एन एस सी डॉट इन पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग की डेट जब भी आ जाए उस दिन जिस दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी उस दिन से आप अप्लाई कर पाएंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ सेंटर तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स में जोन्स में बांट दिया गया है जैसे कि आपने रेलवे में जोन्स देखे होंगे उस तरीके से यहाँ पे रीजन्स में बांट दिया जाता है इस रीज़न में जिस रीजन से आप फॉर्म फिल करेंगे उसी रीजन के ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि इन इन एग्जामिनेशन सिटीज में हमारा होना चाहिए प्रेफरेंस पहले जैसे मान लो कोई दिल्ली भर दिया दिल्ली के बाद दूसरा गाजियाबाद भर दिया तो इस तरीके से आप कुछ कुछ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं ना जैसे यूपी में भर दिया इलाहाबाद भर दिया वाराणसी भर दिया तो इस तरीके से आप कुछ कुछ ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं उसी जोन के इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिस जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस जोन में आप अभी पर्टिकुलर रीजन में जिस रीज़न में रह रहे हैं वहीं आपकी जॉब लगेगी वो अलग बात है ये केवल एग्ज़ामिनेशन देने के लिए होता है ठीक है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है ये आगे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है यहाँ पे पेपर दो पार्ट में होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन जो आपका होगा इसमें 200 सौ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 200 हंड्रेड क्वेश्चन और इसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सी पेपर वन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पहला ऑप्शन रीजनिंग का मिलता है दूसरा जनरल अवेयरनेस का मिलता है ये पचास पचास क्वेश्चन पचास पचास नंबर के यानी कि हर क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होगा और इसी के साथ साथ आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट प्री एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं पेपर वन जिसमें आपका सौ नंबर का इंजीनियरिंग जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच से रिलेटेड आपके सौ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पचास क्वेश्चन आपके अवेयरनेस से जनरल अवेयरनेस और पचास क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ये पेपर वन में दो सौ क्वेश्चन होंगे समय मिलता है आपको दो घंटे का और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है वन बाई फोर्थ की यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन करोगे तो सही नंबर एक गलत हुआ तो पॉइंट टू फाइव मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे राइट right. उसी तरीके से सेकंड पेपर जो होता है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका नॉन टेक का पोर्शन बिल्कुल नहीं होता है. केवल और केवल आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चंस पेपर आपको देखने को मिलता है और जैसा आप लोग सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देते दे थे उस तरीके का पेपर आता है सब्जेक्टिव तीन सौ नंबर का पेपर होता है दो घंटे का समय मिलता है वहाँ पे उस दो घंटे में उस तीन सौ नंबर के पेपर को पूरा कंप्लीट करना होता है रिटर्न एग्जामिनेशन को जब आप पेपर वन क्वालिफाई करते हो तो पेपर टू होता है उसके बीच में लगभग तीन से चार महीने का गैप मिलता है उस पेपर टू को जब आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों के ही मार्क्स काउंट किए जाते हैं उसके बिहार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप पेपर टू में अगर एक किसी लैंग्वेज को चूज़ करके आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो सपोज़ करो कि आपने किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर लिया और आपने हिंदी को चूज़ कर लिया और हिंदी में आप पेपर देना स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि बार बार कभी हिंदी में लिख रहा हूँ फिर कुछ देर बाद इंग्लिश में लिखने लगा उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही आपको प्रेफर करना होगा जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मार्क्स जो हैं वहाँ पर ज़ीरो कर दिए जाएंगे उस पर मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे उनको राइट तो इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखना है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो भी हिंदी वाली कॉपियों को अलग इंग्लिश वाली कॉपियों को अलग सेपरेट करके चेक की जाती हैं तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है गाइज ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस सिलेबस में जैसे अगर जनरल बात की जाए तो रीजनिंग में आपको वही सारे टॉपिक जो एसएससी के बाकी एग्जामिनेशन में बेसिक रीजनिंग आती है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं रीजनिंग के जो पचास क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं गाइज़ यहाँ पे आप फिफ्टी में फोर्टी एट फोर्टी नाइन स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है अगर जिनकी जी के जी एस हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी साइंस ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं टच में है टेंथ लेवल की ही आती है और आपको करंट अफेयर पूछा जाता है यहाँ पे करंट अफेयर में आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पूरे के पूरे एक साल का करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलता है और लगभग लगभग पंद्रह से सोलह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है ये भी पचास नंबर का आता है जीए वाला और आपका जो सब्जेक्ट है ऑबियस बात है कि सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इन सब्जेक्ट को तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ते ही होंगे, अच्छा खासा वेटेज होता है इन सब्जेक्ट का भी और सौ तो नंबर के क्वेश्चन टोटल आपके कोर सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो इसका हद तो बहुत ज़्यादा होता है आप स्कोर कहाँ से कर सकते हो स्कोर रीजनिंग से कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से कर सकते हो और साथ साथ में अगर आपकी नॉन टेक स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जनरली जो इन एग्जामिनेशन की कट ऑफ होती है सिविल की बात करूँ तो सिविल के लगभग एक सौ बीस एक सौ पच्चीस एक सौ सत्ताईस दो सौ में से प्री एग्जामिनेशन की जाती है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में चूँकि वैकेंसीज रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती हैं इसलिए यहाँ पर एक सौ चालीस से एक सौ पचास के बीच में कट ऑफ जाती है पेपर पर भी डिपेंड करता है पेपर का जो पैटर्न होता है सिविल में मोर और लेस थेरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं दैट्स वाई कट ऑफ कम हो जाती है तो so गाइज़ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को जिनका भी ड्रीम है जिनको जिन्होंने सोचा है कि हाँ मैं इंजीनियरिंग किया हूँ या मैंने डिप्लोमा करा है मुझे एग्जामिनेशन देना चाहिए जरूर दीजिए मेहनत करेंगे सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा मेहनत बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए आप सभी के लिए इंजीनियर अड्डा पे डेली क्लासेस भी चल रही हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इंजीनियर अड्डा पे आप आके जुड़ सकते हैं डेली सारे टीचर्स आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ा रहे हैं आप उन क्लासेस को देखिए वहाँ से सीखिए जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत वीक हैं कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट के लिए आप पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो नए बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ साथ साथ में आज की ये वीडियो कैसी लगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगाइज और हमारे साथ जुड़िए इंजीनियर अड्डा पे डेली सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी प्रॉपर क्लासेज आपको मिलती हैं प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए आप रियलाइज़ करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपको एक सिस्टम से पढ़ने की आवश्यकता है राइट और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं पेड क्लासेस में सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं हर एक चीज़ को हर एक कंटेंट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो उनके लिए एस एस के स्पेशल बैचेज इलेक्ट्रिकल के सिविल के और मैकेनिकल के स्टार्ट हो रहे हैं बीस जुलाई से बीस जुलाई से देखिए इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट हो रहा है सिविल का भी बीस जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और मैकेनिकल का अट्ठारह जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो गाइज़ जिनको भी एस एस में इनरोल करना है एस एस सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के सिलेक्शन बैच में इन करना है वो फटाफट जाके अडर ट्वेंटी फोर सेवन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं ख़ुद को और डिस्काउंटेड प्राइस में अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा कूपन कोड वाई टू नाइन थ्री इसको यूज़ करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी बैचेस पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे वाई टू नाइन थ्री पेमेंट के पहले तो आपको ये लगभग चौबीस सौ या पच्चीस सौ में आपको पूरा टेक्निकल पोर्शन पूरा नॉन टेक पोर्शन पूरी की पूरी क्लासेज आपको इसमें मिल जाएंगी थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो बाय टेक केयर